स्वागत है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के जोशी मठ में प्रशासन ने असुरक्षित भवनों पर लाल निशान लगा दिए हैं। लाल निशान का मतलब है कि ये भवन रहने लायक नहीं है और उन्हें जल्द ही ढहा दिया जाएगा। लिहाजा लाल निशान लगे भवनों से लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। लाल निशान लगे ऐसे ही भवनों का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। देखिए, जोशी मठ के हम मनोहर बाग वाले इलाके में हैं और जिन घरों में दरार आई है, जो डेंजरस जोन में है, उनके हालात किस तरह से हैं ये आप ये देखिए। ये एक मकान है और जो किस तरीके से दरारों से भरा हुआ है, कभी भी ये मकान गिर सकता है। प्रशासन ने क्रॉस के निशान लगा दिए हैं। ये क्रॉस के निशान अगर आप देखें, इसका मतलब ये है कि ये मकान अब रहने लायक नहीं है, डेंजर जोन में है। और आपको दूसरे कमरे की स्थिति हम दिखाते हैं और ये हम लोगों के लिए भी खतरनाक है, हमारे पूरी टीम के लिए, क्योंकि आप ये देखें कि किस तरह की स्थिति है इन मकानों की और जो दरारें हैं वो कितनी चौड़ी दरारें हैं। प्रशासन अब कह रहा है कि तुरंत इन लोगों को जो अपने मकान हैं खासतौर से मनोहर बाग में, उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मकान कभी भी ढह सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये एक और मकान जिस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है और इस मकान का पूरा जो बेसमेंट है वो तबाह हो गया है। रोपवे का जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, ये रोपवे का वायर है और यहाँ पर जो ओली के लिए जो रोपवे जाता है उसका पिलर है, पहला पिलर है और यही कारण है कि इस रोपवे को भी बंद किया गया है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो एकदम कह सकते हैं कि तहस नहस हो गया है बिल्कुल दरारों से। और यही कारण है कि अब लोग जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ लोगों से हम बात कराने की कोशिश करते हैं। पूरा मकान ही डैमेज समझो, पीछे से लेके आगे तक सब जगह क्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा आ गई है। इसी वजह से हमें प्रशासन ने बोल दिया था कि समय पे इस मकान को खाली कर दीजिए वरना हम सीज कर लेंगे। अभी आप कहाँ शिफ्ट होकर जा रहे हैं? देखिए, हम ये अपना जितना सामान है ये अपने रिश्तेदार के यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और हमको तो इन्होंने एक रूम दिया हुआ है। आप लोग कौन सी किस जगह आप लोग शिफ्ट हुए हो? शिफ्टिंग का वगैरह जो प्रशासन ने किया है, GMBN वगैरह, सैलजा जो गेस्ट हाउस वगैरह हैं उनकी व्यवस्था की हुई है। हल्की फुल्की दरारें सबकी मकानों पे आती रही थी, ये 4-5 महीने पहले थोड़ी थोड़ी आई और अचानक से 1 महीने पहले ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी बड़ी कि मुझे लगता है कि रहना भी पॉसिबल नहीं है मकानों में। प्रशासन लगातार बार बार अपील कर रहा है कि जो लोग डेंजर जोन में या ऐसे मकानों में हैं जहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं है, वो तुरंत उस मकान को खाली कर दें और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, DD News, जोशीमठ।